दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम अरुण प्रभु, सही ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 113 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चालू करने से पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। दोस्तों, हमारे कुछ 112 एपिसोड हो गए न्यूज के, ये बात बताइए कि आपको और क्या चाहिए और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं हमारा टेक न्यूज, ट्रैकिंग टेक न्यूज, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, आजकल हमारे टेक न्यूज वीडियोस को लाइक भी थोड़े कम आ रहे हैं, तो जरा लाइक कीजिए, हमारा मोरल जो है वो बूस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक न्यूज। दोस्तों, ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रही है उधर, उसे भी दबाइए। और दोस्तों, इस वीडियो के हमारे फीचर्ड कमेंटर है अंकित अग्रवाल। और दोस्तों, आज की पहली खबर है HMD ग्लोबल, जो नोकिया की पेरेंट कंपनी है, उसके पास से। उन्होंने ट्विटर के ऊपर 2-3 चीजें डाली हुई हैं, टीजर्स डाले हुए हैं, साथ में प्रेस इनवाइट्स भी भेजना चालू कर दिया है, लेकिन रशिया में। और ऐसे कहा जा रहा है कि नोकिया एक नया फोन लॉन्च कर रहा है। उन्होंने इस टीजर्स में यूज किया है हैशटैग चार्ज्ड अप, इसका मतलब या तो बड़ी बैटरी है या फिर बहुत ही जल्दी चार्ज होती है, ये जो फोन है उसकी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती है। दोस्तों, चाइना में ऑलरेडी नोकिया X6 लॉन्च हो चुका है और ग्लोबल लॉन्च के लिए हम रुके हुए हैं। शायद ऐसे हो सकता है कि X6 लॉन्च हो रहा है रशिया में, लेकिन मेरा गेस ये है कि ये एक नया सीरीज का फोन होगा जिसमें बड़ी बैटरी होगी और अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्योंकि नोकिया के जो CEO है उन्होंने भी ट्विटर पे कहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग न्यू, इसका मतलब कुछ तो भी नया आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या नया आ रहा है। May 29th को है लॉन्च। और दोस्तों, May 29th को ही लॉन्च हो रहा है इंडिया में वीवो X21। कल मैंने इसकी न्यूज आपको दी थी, लेकिन आज से आप प्री बुकिंग चालू कर सकते हैं वीवो के वेबसाइट के ऊपर। आपको ₹2000 भरने पड़ेंगे और आपका जो वीवो X21 है वो बुक कर सकेंगे ऑलरेडी। इसका मतलब सबसे पहले लोग होंगे आप, अगर आप प्री बुक करते हैं तो, जिसके हाथ में X21 आएगा। 2-3 चीजें भी आपको मिलेंगी, 12 मंथ नो कॉस्ट EMI पे भी आप खरीद सकेंगे। अभी तक प्राइस डी नहीं है, लेकिन ₹2000 देके प्री बुकिंग चालू कर दिए। SBI की तरफ से आपको 5% कैशबैक भी मिलेगा, साथ में वोडाफोन की तरफ से आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीवो X21 खरीदना है तो अभी जाइए वीवो के वेबसाइट के ऊपर, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ₹2000 देके प्री बुक करवा दें। IPL क्रिकेट सीजन खत्म होने आ गया है, सिर्फ अब फाइनल ही बचा है। और इसी मौके पे जियो ने और एक आपको ऑफर दे दी है, 8GB फ्री डेटा मिल रहा है अब सिलेक्ट जियो यूजर्स को। जी हाँ, मतलब 2GB पर डे फॉर 4 डेज फ्रॉम टुडे, मतलब आज से लेके 29 तक आपको 2GB डेटा मिलेगा, इसके साथ कुछ नहीं, ये एक एड ऑन है। और अगर आपको चाहिए तो जाइए आपके माई जियो ऐप के ऊपर और आपके माई प्लान्स के अंडर आपको ये एड ऑन दिखेगा, इसे एक्टिवेट कर दीजिए और आपको अगले 4 दिन तक 8GB का डेटा फ्री मिलेगा। कोई प्रोसेस नहीं है, सीधा आपके माई जियो ऐप के ऊपर दिखेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ सिलेक्ट कस्टमर्स के लिए, इसलिए अभी जाइए आपके ऐप के ऊपर, देखिए आप उन सिलेक्ट कस्टमर्स में से है या नहीं। और दोस्तों, Xiaomi की न्यूज कैसे नहीं हो सकती है, तो अब और एक न्यूज है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि Redmi Y2 लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों पहले, और अब Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है June 7th को होने वाला है लॉन्च Redmi Y2। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो Redmi Y2 है, Xiaomi ने कहा था कि हमारा जो सेल्फी कैमरा है सबसे अच्छा कैमरा होने वाला ये स्मार्टफोन है, जो चाइना में S2 के नाम से जाना जाता है, वही इंडिया में लॉन्च होने वाला है Y2 के जैसे। तो दोस्तों, बहुत सारे दूसरे फोन्स के साथ ये भी आने वाला है, और एक Xiaomi का फोन जो एक सेल्फी सेंट्रिक फोन होगा June 7th को लॉन्च। और दोस्तों, अब तक तो आपको पता ही है May 31st का बड़ा इवेंट, एनिवर्सरी इवेंट जो Xiaomi का है, जो चाइना में होने वाला है, उधर लॉन्च होने वाले हैं Mi 8, Mi Band 3, Mi UI 10। और अब ऐसी खबर है कि और एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है Mi Note 5। ये Xiaomi का नोट सीरीज का जो है फ्लैगशिप लेवल का है, ये लॉन्च होगा। दोस्तों, ये आने वाला है फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ, इसके मतलब इसमें बेजल्स नहीं होने वाले जैसे Mi Mix 2 में है या 2S में है, वैसे ही Mi Note 5 भी होगा। डुअल कैमरास होने वाले हैं, Qualcomm Snapdragon 835 का प्रोसेसर है, 6GB RAM, 64GB स्टोरेज वगैरह सब स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। और इसकी जो रूमर्ड प्राइस है वो है 2299 yuan, इसका मतलब कुछ 23,000 या 24,000। इस प्राइस में अगर ये मिल रहा है और ये अगर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, तो क्या कहने, बहुत सारे अंडर 25,000 दिस विल बी द बेस्ट स्मार्टफोन। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोग रुके हुए हैं Moto G6 Plus के लिए, लेकिन Motorola ने कंफर्म कर दिया है कि June 4th को Moto G6 और G6 Play लॉन्च होगा।
G6 Plus शायद इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। और दोस्तों जो Moto G6 होगा वो होगा Amazon के ऊपर, और Moto G6 Play होगा वो होगा Flipkart के ऊपर। एक्सक्लूसिव होने वाले हैं दोनों भी, और जून 4th से चालू हो जाएंगे आपको मिलने को। तो अगर आप रुके हुए हैं Moto G Plus नहीं, लेकिन आप Moto G6 और Moto G6 Play के पास जरूर देख सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बार मैंने पहले बोला हुआ है। और दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे ट्रैक इन टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ, स्नैपड्रैगन या फिर क्वालकॉम ने नया प्रोसेसर लॉन्च किया है 7 सीरीज का। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कुछ टेक फैक्ट्स बता दूं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अनाउंस हुआ था नवंबर 2006 में, और लॉन्च हुआ था एक साल बाद नवंबर 2007 में। जी हाँ, और दोस्तों ये जो प्रोसेसर था वो पहला प्रोसेसर था जिसमें 1 GHz सिंगल कोर थी। जी हाँ, उस वक्त बहुत ज्यादा थी, ड्यूअल कोर, 4 कोर, क्वाड कोर वगैरह नहीं था, सिंगल कोर 1 GHz का प्रोसेसर था। और उसके पहले जो मोबाइल प्रोसेसर थे वो सब 500 MHz के थे। इसकी वजह से बहुत सारे मोबाइल कंपनीज ने स्नैपड्रैगन को अपनाया अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर, और तब से चालू हुई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जर्नी। और एक फन फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन या फिर स्नैपड्रैगन ये नाम कैसे पड़ा। स्नैप यानी फास्ट, ड्रैगन कैसा होता है, ड्रैगन कैसे होता है, फियर्स। तो बेसिकली क्वालकॉम ने सोचा यार हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो फास्ट और फियर्स हैं, और इसकी वजह से नाम रखा स्नैपड्रैगन। और दोस्तों अब वक्त हो गया है कल के सवाल का जवाब देने का, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम बताए और बहुत सारे लोग सही थे। इनफैक्ट बहुत सारे क्या, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS छोड़ के बहुत सारे OS है, मोबाइल OS, कौन सा भी ले लीजिए, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, टाइजन, बड़ा, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कम से कम 8-10 बता दूं, लेकिन आप कमेंट्स में देखिए उसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए हैं, और इसलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी हाँ, और अब वक्त हो गया आज के सवाल का, ये भी है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में। जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो 8 सीरीज है, फ्लैगशिप सीरीज, उसमें कितने अलग अलग प्रोसेसर्स हैं उनके नाम बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, फिर से पूछता हूँ, 8 सीरीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कितने प्रोसेसर हैं उनके नाम बताइए। चलिए दोस्तों आज का हमारा ट्रैक इन टेक न्यूज एपिसोड 113 इधर ही समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो तक।